व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, मेरा नाम है अपूर्व अग्रवाल। फ्रैंकफर्ट को अलविदा कह के मैं आ चुका हूँ स्विट्जरलैंड। आज है 4th of July और स्विट्जरलैंड में मैं तीसरी बार हूँ पिछले एक साल में। सो पिछली बार मैं जून में आया था, फिर मैं आया विंटर्स में दिसंबर में, अब मैं फिर से इस समय जुलाई में आ चुका हूँ। और फिर से स्विट्जरलैंड मेरा देखने का बहुत ज़्यादा मन था, और इस बार मुझे 2 साल का वीज़ा दिया है स्विट्जरलैंड ने। सो चलिए, वो सब तो बात की बातें हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इस समय जो कि बर्नीज ओबरलैंड का एरिया है, यानी ब्रियंस पे हूँ इस समय मैं। और आज डेट है 4th of July, बर्नीज ओबरलैंड के एरिया में हूँ। और मैंने बर्नीज ओबरलैंड पास ख़रीदा है जो कि करीबन 29,000 रुपये 3 दिन का पड़ता है, जिसमें आपको बर्नीज ओबरलैंड में जितनी भी जगह हैं सब आपको देखने के लिए फ्री होती हैं। आप हार्डर क्लम जो है वो सब आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल राइड है, आपने बहुत ज़्यादा वो देखी होगी ट्रेन्स में, वो बहुत ज़्यादा आपने देखी होंगी। सो वो आप कर सकते हो। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी राइड होती है। जस्ट मेरे पीछे ट्रेन आई है, तो सो जो मेरी ट्रेन है वो अभी से 2 घंटे बाद का रिजर्वेशन है, लेकिन अभी मैं कुछ यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए ढूँढ रहा हूँ। मुझसे गलती ये हुई इस बार कि मैंने बहुत दूर यहाँ से हॉस्टल ले लिया, और हॉस्टल से बहुत लंबी जर्नी करके आया हूँ, लेकिन आज रात मैं इधर ही कहीं स्टे करूँगा, उधर नहीं जाऊँगा। सो चलिए आपको थोड़ा बहुत मैं ब्रियंस का एरिया दिखाता हूँ, ब्रियंस लेक दिखाता हूँ, फिर मैं आपको वाली राइड दिखाऊँगा जो कि बहुत ही सीनिक राइड होगी और बहुत ही अमेजिंग राइड होगी। तो गाइज, अगर आपको ये वाली राइड करनी है रोथोन बान वाली, तो इसका रेट है 9,500 रुपीज़। मैं 1 स्विस फ्रैंक को सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि आपको इसमें सीट रिजर्वेशन वगैरह भी कराना पड़ेगा, वरना अगर आपने सीट रिजर्वेशन, दोनों का लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लो। बर्नीज ओवरलैंड पास कहाँ से ख़रीदना है, सीट रिजर्वेशन कहाँ से कराना है। सीट रिजर्वेशन की कॉस्ट लगभग 800 रुपये है, और जो बर्नीज ओवरलैंड है की कॉस्ट है वो लगभग 9,200 के आसपास है। स्विस फ्रैंक 95 के आसपास चल रहा है समय। आज डेट है 4th of July 2024। सो एकदम नया लेटेस्ट व्लॉग मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ हैं यहाँ के। मुझे पता नहीं क्यों किस्मत बार बार स्विट्जरलैंड में ला के पटक देती है, मुझे समझ में नहीं आता। मतलब मैं जाना चाहता हूँ और भी जगह, जैसे ओशेनिया जो कंट्रीज़ हैं वो सब मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन बार बार मैं यूरोप ही आ जाता हूँ। अब किस्मत का है ये, क्या है मुझे नहीं पता। तो चलिए आज आपको ये दिखाते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको लाउटर ब्रोनन भी दिखाऊँगा, थोड़ा बहुत ग्रिंडलवाल्ड भी दिखाऊँगा, और जो हार्डर क्लम वो वाला एरिया वो सब दिखाऊंगा। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगा। ये बर्नीज ओबरलैंड में जो पास है उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सीट रिजर्वेशन ज़रूर कराने पड़ते हैं उसके बिना, क्योंकि फिर आपको वेट करना पड़ेगा कौन सी सीट अवेलेबल है, फिर आप जा पाओगे। सो गाइस, अगर आपको कभी भी स्विट्जरलैंड अगर आना हो और आपको ये वाला एरिया सबसे ज़्यादा खास है, तो अगर आपको पूरा स्विट्जरलैंड कवर करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूं, ताकि आप कोई भी गलती ना करें मेरी तरह, क्योंकि जो मैंने 3 बार गलतियां करी हैं यहां पे, गलत जगह हॉस्टल ले लिया इस बार मैंने, वहां से करीबन 3.5 घंटे की राइड है, बहुत लंबी राइड थी। खैर मैं अब वाला पैसा तो मेरा, खैर लगेज वगैरह सब वहीं पड़ा हुआ है मेरा लेकिन मैं आज यहीं रुकूँगा, क्योंकि मुझे ये वाला एरिया पूरा कवर करना है किसी भी तरीके से। सो गाइस, ये फ़िलहाल यहाँ पे देखते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है मैंने। यहाँ पे जो मेरी फास्टिंग हो रही है, लगभग 18-19 घंटे की फास्टिंग हो जा रही है, पता नहीं क्यों यहाँ पे भूखी नहीं लगती है मुझे। सो गाइस, मैं आपको बता रहा था कि आप कभी भी हॉस्टल लें तो आप या तो बर्न में लीजिएगा या तो इंटरलाकिंग में लीजिएगा, बर्न या फिर इंटरलाकिंग, क्योंकि आप बर्न से ज्यूरिख भी 1 घंटे 1.5 घंटे की राइड है, और बर्न से इंटरलाकिंग भी 1.5 घंटे की राइड है। तो बहुत ही इजी रहेगा आपके लिए एक्सप्लोर करने के लिए। आप मेरी गलती ना करिए कि आप सैंड गोलन में मैंने ले लिया, वहाँ से 4 घंटे की राइड है यहाँ की। तो चलिए ठीक है, गलतियों से सीखता है आदमी, गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे।
यहाँ पे जो बर्नीज ओवरलैंड पास है उसमें जो बोट राइड्स होती हैं वो भी इंक्लूडेड होती है, सब कुछ इंक्लूडेड है। बहुत ही बढ़िया पास है एक्सप्लोर करने के लिए ये वाला एरिया पूरा, जो इंटरलाकिन का एरिया है जहाँ पे DDLJ शूट हुई थी। देखते हैं आपको इंटरलाकिन लोकेशन फिर से दिखाते हैं। इस बार मैंने पिछली बार भी दिखाई थी आपको, लेकिन पिछली बार रील्स के फॉर्म में दिखाई थी, इस बार ब्लॉग के फॉर्म में दिखाऊंगा। तभी मैं कहता हूँ ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, घर से एक बार निकलने की कोशिश करिए। मुझे रेयरली कोई मिलता है जो कि सोलो ट्रैवल करता है, मतलब मेरी तरह मुझे बहुत ही रेयर कोई इंडिया से कभी आज तक मिला होगा, वरना नहीं मिलता। लेकिन वो भी बात सही है कि पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी एक्सपेंसिव लोकेशंस आइए। आपको कोई नहीं कह रहा कि आप स्विट्ज़रलैंड आइए, आप और भी जगह जा सकते हैं, आप थाईलैंड वियतनाम ये सब जाइए, ट्राई करिए घर से निकलिए। जब तक निकलेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। भगवान इन्हीं सब चीज़ों के लिए पैसा देता है कि आदमी दुनिया घूमे, दुनिया की सैर करे। तो आपने अगर दुनिया नहीं देखी तो क्या फ़ायदा, इतनी मुश्किल से जो आपको मनुष्य का जन्म मिला है उसका क्या फ़ायदा। देखिए इतना खूबसूरत है, कहाँ आपको ये सब मिलने वाला है। मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में स्विट्ज़रलैंड से अच्छी कोई कंट्री होगी इस समय नेचर वाइज। खैर अभी मैं 19 कंट्रीज ट्रैवल्ड हूँ, अभी देखते हैं और आगे कुछ कंट्रीज़ अगर मैं कवर करता हूँ। मुझे 30 इयर्स का होने से पहले 30 कंट्रीज़ कवर करनी है, ये मैंने वो टारगेट बनाया था, लेकिन बार बार मैं रिपीट करता चला जा रहा हूँ कंट्रीज़। खैर चलिए देखते हैं आगे बढ़ते हैं, कुछ खाने वाने का देखते हैं यहाँ पे, फिर आपको सीधे जो रोहतांग बांध है वहाँ लेके चलते हैं। सो दोस्तों जब भी मैं यहाँ आता हूँ ये ज़रूर लेता हूँ, ये बहुत ही अच्छी आइस टी होती है, ये सिट्रस मतलब कि लेमन फ्लेवर है। बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, 60 डिग्री की ठंड है और मैंने सिर्फ एक टी शर्ट डाल रखी है, सबने यहाँ पे जैकेट्स पहन रखी हैं।
सारे माउंटेन्स है, यमपुरा, वाइगर, शिलोंग, उस तरफ है, सो यही सब है यहाँ पे। अभी मैं कहूँगा जो गवर्नर ग्रैट मैंने करा था वो ज़्यादा अच्छा था इससे, इससे बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ थे, लेकिन इसके भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो मैंने ठंडक में देखा था। असल में वो विंटर्स का टाइम था, ये थोड़ा समर्स का टाइम है, तो इसके व्यूज़ एकदम अलग है। तो मुझे लगता है गवर्नर ग्रैट जो होगा वो और ज़्यादा खूबसूरत होगा समर्स में। तो विंटर्स में ये क्लोज रहता है, इसमें कोई आता ही नहीं है, ये ट्रेन बंद रहती है क्योंकि जो ट्रेन है वो 9 की स्पीड से चलती है, 9 की स्पीड से कुछ भी नहीं हुई, 1 घंटा लगता है वापस आने में और जाने में, दोनों में 1 घंटा लगता है। तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से क्योंकि अगली डेस्टिनेशन जाना है। तो अब यहाँ से मैं निकलूँगा, बढ़ते हैं आगे, इसके बाद आपको दिखाते हैं इसल मॉल, जहाँ तक मेरा प्लान है, अब उसको करते हैं। तो दोस्तों अपनी जो राइड थी ब्रियंस रॉथॉन वाली वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पे एक टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर है, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, सो वहाँ से एक जो आसपास देखा जा सकता है उसकी एक गाइड ले ली है। सो यहाँ पे एक बहुत अच्छी स्ट्रीट है, ब्रुनगास स्ट्रीट, सो वहाँ जा रहा हूँ, 10 मिनट की वॉक है यहाँ से। फिर लौट के मैं आऊँगा इसल वॉल्ट, जाऊँगा इसल वॉल्ट, इसके बाद देखूँगा, इसल वॉल्ट बहुत खूबसूरत है, उसका जो लेक है वहाँ से व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। सो जी फ़िलहाल ये प्लान है अपना, सो फार बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ पे। ये सबसे बेस्ट मौसम है, सन आउट होगा तभी आपको स्विट्ज़रलैंड देखने में अच्छा लगेगा, तब तक सूरज यहाँ नहीं निकलेगा, तब तक आप यहाँ पे सोचोगे इतनी ठंड, ऊपर इतनी ज़्यादा ठंड थी, मतलब 6-7 डिग्री के आसपास था। चलिए यहाँ चलते हैं, ब्रुनगासा दिखाते हैं आपको, फिर वापस इसल वॉल्ट। सो यहाँ जितने भी आप होटल्स देख रहे हो मेरे आसपास, सब बहुत ही एक्सपेंसिव होटल्स है, ये स्विट्ज़रलैंड है, मतलब होटल्स स्टार्ट होते हैं 20,000 रुपये से, और 20,000 पे कहाँ तक जाते हैं इसका कोई हिसाब नहीं है। सो यहाँ पे आपको खूब सारी लग्जरियस कार्स देखने को मिलती हैं सब आप। सो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ ब्रुनगासा स्ट्रीट, इसको मतलब इस पर खूब सारे आपको वुडन शैलेज मिलेंगे, ऐसा लगेगा कि आप करीबन 200-300 साल पीछे आ चुके हो। सो 200-300 साल पीछे होने के सब हाउसेज में देख रहे हो, और ये सब इनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, मुझे लग रहा है लोग रहते होंगे इसमें क्योंकि पर्दे वगैरह सब लगे हुए हैं, अच्छे डेकोरेटेड है सब कुछ यहाँ, सब यहाँ पे कार्विंग्स वगैरह भी हैं, मतलब उस पर कार करके रखा हुआ है पूरा, उसको वुडन शैलेज, इनको शैले बोलते हैं, सो शैले वुडन शैले हैं। और जैसे ही आप स्ट्रीट से निकल के सीधे आओगे आपको बहुत ही सुंदर लेक ब्रियंस का पूरा व्यू मिलेगा, मेरे पीछे देख रहे हो, इसल वॉल्ट आपको लेके चल रहा हूँ, इसल वॉल्ट बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा लगता है यार यहाँ पे आके, कितना सुकून मिलता है, अपना बयान नहीं कर सकता। देखो सो दोस्तों फिलहाल यह वाला व्लॉग यहीं तक, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए आप बेल आइकन भी दबाइए, सब्सक्राइब बटन भी दबाइएगा, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और बताइएगा मुझे कमेंट में कैसा लगा आपको यह वाला व्लॉग। सो अगले व्लॉग में आपको मैं ऑयस चिनेंसी दिखाऊँगा, ऑयस चिनेंसी बहुत कम इंडियंस जा पाते हैं क्योंकि मेन सब इंटरलाकन तक ही वो उनको पता होता है, वहीं तक वो देख के वापस चले जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अगले व्लॉग में आपको ऑयस चिनेंसी कैंडस ट्रैक दिखाने वाला हूँ। चलिए।